हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी एसक्यूएल को बहुत प्रॉपरली लर्न कर रहे होंगे, नई नई चीजें सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते जा रहे होंगे। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सेलेक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, दोस्तों एसक्यूएल के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपको एक एक करके लर्न होता जाएगा। आज अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आज बढ़ते हैं फ्रॉम की तरफ। सेलेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज समझते हैं अपने फ्रॉम को। अब फ्रॉम वैसे तो हमें क्लियर ही है, हम पहले भी जानते ही हैं, हमने छोटी मोटी क्वेरीज तो लिखी है कि सेलेक्ट फ्रॉम मतलब कहीं से डेटा उठाना है। किसी टेबल का नाम होगा, किसी व्यू का नाम होगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फ्रॉम के अंदर क्या क्या करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है दोस्तों, इसी से मिलकर एक बड़ा मेरा एसक्यूएल बन जाएगा। हमारे कंसेप्ट भी तभी क्लियर होंगे जब हम छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम में क्या करना है, अब जैसा कि आप जानते हो किसी भी क्वेरी को, जैसा सीक्वेंस मैंने बता ही दिया था कि फ्रॉम मेरा सबसे पहला पॉइंटर होता है किसी भी क्वेरी को चलाने के लिए। जो सबसे पहले पॉइंटर आता है मेरा फ्रॉम के ऊपर ही आता है। सबसे पहले जो मेरा पीछे एल्गो चलता है, वो एल्गो सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी से यही बात करता है कि विच टेबल कहां से उठा के लाना है। तो फ्रॉम के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है उसको वो एक ऐसी जगह या रिपोजिटरी समझता है जहां से उसको डेटा पिक करना है। अब वो डिपेंड करता है आपकी क्वेरी पे कि आपने टेबल का यूज किया है या व्यू का यूज किया है, किस चीज का यूज किया है, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी लिखी हुई क्वेरी पे। तो हम एक एक करके आज बात करेंगे कैसे हम अपने फ्रॉम को मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसको और अच्छा बनाते हैं। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, टेबल का यूज हम सभी लोगों ने किया हुआ है कि किस तरीके से हम टेबल को अपने फ्रॉम में यूज करते हैं। तो टेबल हम बेटर जानते हैं, टेबल में हमें कोई क्वेरी नहीं है। टेबल का हम एग्जांपल अपने किसके अंदर करके देखेंगे, हम करके देख लेंगे अपने लैब के अंदर। व्यू, व्यू किससे बनता है, व्यू हम बेटर जानते हैं, हमने पीछे भी अपनी लैब्स में किया है कि व्यू मेरे बनते हैं किसी टेबल की क्वेरी के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि मेरी सिंगल क्वेरी पे भी बन सकता है, सिंगल टेबल पे भी बन सकता है, मल्टीपल टेबल्स के ऊपर लिखी हुई क्वेरी को मिलाकर के मेरा एक व्यू बन सकता है और उस व्यू को भी मैं यूज कर सकता हूं एज ए टेबल, एज ए रिपोजिटरी जहां से मुझे डेटा पिक करना है। सो ये भी हम करके देखने वाले हैं। अब मेरे पास ना तो टेबल है ना व्यू है, अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी है जिस क्वेरी को ही आपको एज ए टेबल यूज करना है, तो दोस्तों वो भी एसक्यूएल हमें फैसिलिटेट करता है कि हाँ भाई आप ऐसा भी कर सकते हो। ये एलियास क्या है दोस्तों, एलियास आपको मैं बता दूं, एक बार क्या होता है कि सेम कॉलम मेरा कई सारी टेबल्स में होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक ईएमपी टेबल है जिसको मैंने ए नाम दे दिया और एक डीपीटी टेबल है डिपार्टमेंट जिसको मैंने बी दे दिया। गौर करने की बात है कि कॉलम का नाम है नेम, बट ऑब्वियसली एम्प्लॉय के अंदर नेम होगा तो एम्प्लॉय का नाम ही होगा, मैंने टेबल का डिजाइन ही ऐसा है। डिपार्टमेंट की जो टेबल है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट नेम का जो कॉलम है उसको मैंने नेम ही दिया हुआ है। अब जब मैं सेलेक्ट लिखूंगा, दोस्तों, तो मेरी एसक्यूएल को एक कंफ्यूजन आ जाएगा कि भाई नेम कौन सा वाला, एम्प्लॉय का नेम या डिपार्टमेंट का नेम। तब मैं अपने सेलेक्ट को यह बताऊंगा कि ए डॉट वाला नेम या बी डॉट वाला नेम। जो नेम लेना है सेलेक्ट ए डॉट नेम, मतलब मैं एम्प्लॉय नेम की बात कर रहा हूं भाई, मैं डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये होता है एलियास, ए डॉट मतलब ये एलियास है, मतलब मेरे को डिनोट होगी टेबल, किस टेबल, जिस, तो एलियास होता है जब मैं अपनी टेबल का कोई शॉर्ट नेम दे देता हूं जिसको डॉट करके मैं अपने कॉलम्स को एक्सेस करता हूं इजीली, कॉलम को नोटिफाई करता हूं इजीली, बताता हूं अपनी सेलेक्ट को कि ये टेबल डॉट इसका ये कॉलम। तो ये एलियास होता है, जो ये मैंने आपको यहां पर ए और जो बी दिए दोस्तों ये मेरे एलियास हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार लैब के अंदर चलते हैं, सो दैट अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, फ्रॉम के इस क्लॉज को तोड़ के और बारीकी से समझ सके, लैब के अंदर चलते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। लैब में सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों मैंने बना ली यहां पे दो टेबल्स। पहली टेबल मैंने XXEMP बनाई है जिसको मैं नाम दे रहा हूं दोस्तों ए। तो सबसे पहले इस ए वाली टेबल का ही सेलेक्ट चला के देखते हैं। सेलेक्ट मैंने चलाया दोस्तों, तो नीचे कुछ डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो गया, कुछ मैंने कॉलम्स क्रिएट किए हैं और कुछ मैंने यहाँ पे रोज के अंदर डेटा भी इंसर्ट करके रखा हुआ है। कंसेप्ट को और इजिली समझने के लिए मैंने दूसरी टेबल भी यहाँ पे क्रिएट की जिसका नाम मैं बी दे रहा हूं। तो बी वाली टेबल का भी एक बार सेलेक्ट चला के देखते हैं।
जैसे बी वाली टेबल का सेलेक्ट चलाता हूं, तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने चार रोज और कुछ कॉलम्स मैंने यहां पर क्रिएट किए हुए हैं। अब सिंपल सेलेक्ट तो सिंपल ही है दोस्तों, कुछ नहीं है, सिंपल एक टेबल यूज करिए। और फ्रॉम क्लॉज के अंदर टेबल को कैसे यूज करना है सिंपल सेलेक्ट के अंदर तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूं। बात करते हैं मल्टीपल टेबल्स को किस तरीके से अपने फ्रॉम क्लॉज के अंदर यूज करना है। यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने एक टेबल ये ली जिसका नाम मैंने यहाँ पे ए दे दिया है, सेकेंड टेबल मैंने ये ली जिसका नाम मैंने बी दे दिया है। और इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि अगर मैं ये टेबल इस तरीके से चला दूंगा, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा और मेरे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका काउंट जो है दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा, जो कि टोटली इलॉजिकल है। सो यहां पर मैं दे देता हूं क्या, यहां पर दे देता हूं मैं इनके बीच में ज्वाइन। सो ज्वाइन पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेयर पे भी, लेकिन अभी केवल ओके फ्रॉम पे फोकस करना है। मैंने इन दोनों टेबल्स के बीच में लगा दिया एक ज्वाइन, और अब अगर इसको मैं चलाता हूं तो यहां पे परफेक्ट और करेक्ट डेटा मुझे मिलेगा जो कि है 15, क्योंकि मैंने किसके बीच में ज्वाइन लगाया, मैंने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में ज्वाइन लगाया। ए और बी जो मेरे एलियास हैं, इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी दोस्तों, यहां पे एक समझने का पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन है वो है डिपार्टमेंट नंबर का। डिपार्टमेंट नंबर जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी है, और क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर मेरा बी टेबल के अंदर भी है, तो सिस्टम को या मेरी क्वेरी को ये कैसे पता पड़ेगा कि मेरा कौन सा कॉलम किसके साथ ज्वाइन लग रहा है, किस टेबल का कौन सा कॉलम है। जब अगर मैं ये नहीं बताता हूं सिस्टम को कि भाई कौन सा कॉलम किस टेबल का है, तो सिस्टम यहां पे मुझे एरर दे देगा, कॉलम एम्बिगुअसली का। तो सिस्टम ये समझ नहीं पा रहा है यहां पे कि ये डिपार्टमेंट नंबर किस टेबल का है और ये डिपार्टमेंट नंबर किसका है, और ज्वाइन भी इन दोनों के बीच में लगने। सो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों आया एलियास, कि जब कभी भी मेरी किसी भी दो तीन चार कितनी भी टेबल्स के अंदर अगर कोई कॉलम नेम सेम है, तो सिस्टम या क्वेरी या कोई भी एल्गो किस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सा सेम नाम वाला कॉलम किस टेबल का है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है इस एलियास की, जो मैंने यहां पे इस टेबल को एलियास दिया है बी और इस टेबल को दिया है ए। तो ये मेन कंसेप्ट होता है दोस्तों एलियास का। अब मैं अगर यहां पे देखिए ए दे देता हूं, बता दिया कि ये फर्स्ट वाली टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है, और ये बी डॉट लगाया सेकेंड टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है, दोनों के बीच में ज्वाइन है। अब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो कोई एरर भी नहीं आएगा और करेक्ट मेरा डेटा आएगा। सो यहां पे मैंने अपना इजीली अंडरस्टैंड कर लिया कि एलियास का क्या नाम है और किस तरीके से मल्टीपल टेबल के ज्वाइन लगते हैं, कैसे टेबल को फ्रॉम क्लॉज में यूज करते हैं। अब टेबल तो हमने समझ लिया, आगे बात करते हैं फ्रॉम में और क्या यूज कर सकते हैं। दोस्तों फ्रॉम में यूज कर सकते हैं हम व्यू। पहले समझते हैं व्यू कैसे क्रिएट होता है। दोस्तों व्यू क्रिएट होता है मेरे किसी टेबल्स के ऊपर लिखी हुई क्वेरी के ऊपर। तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको कि सिंपल डिपार्टमेंट टेबल का अगर मैं सेलेक्ट चलाता हूं, तो मेरे पास ये तीन कॉलम्स है जो मुझे नीचे दिख रहे हैं, उनके अंदर ये डेटा है। बट मुझे कंट्री का भी एक कॉलम चाहिए, किसी भी रीजन से कंट्री का कॉलम चाहिए, साथ में मुझे इनके कॉलम के नेम चेंज करने हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है व्यू को क्रिएट करने के लिए, तो व्यू उस टाइम पे क्रिएट किया जाता है। यहां पर मैंने डिपार्टमेंट वाली टेबल के ऊपर एक छोटी सी क्वेरी लिख रही है जिसको यूज करके मैं बनाऊंगा व्यू। तो सबसे पहले इसका सेलेक्ट चलाते हैं। सेलेक्ट चलाने पे आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने अपने बनने वाले व्यू का जो कॉलम के नेम है वो चेंज कर दिया, यहां पे डिपार्टमेंट नंबर रख लिया, जो डिपार्टमेंट नेम था उसको नेम कर दिया, जो LOC था उसको लोकेशन कर दिया, और एक कंट्री का नया कॉलम भी डाल दिया। सो व्यू को क्रिएट करने के लिए छोटा सा सिंटैक्स होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, ये मेरे व्यू का सिंटेक्स है। यहां पर मैंने व्यू का नाम दिया और एस करके अपनी उसी क्वेरी के ऊपर ये मैंने व्यू क्रिएट कर दिया। यहां पे आप देखेंगे सिंपली व्यू मेरा क्रिएट हो गया है। मैं व्यू का सेलेक्ट भी आपको चला के दिखाता हूं, वी से मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं मेरा व्यू है, और अब मैं इसका सेलेक्ट चलाता हूं तो कोई भी क्वेरी मैं नहीं चला रहा हूं, व्यू के अंदर जो ये क्वेरी लिखी हुई है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर से डायरेक्टली चल रही है। तो ये मेरा नया व्यू बन गया। आप इस व्यू को किस तरीके से फ्रॉम क्लॉज में यूज करेंगे दोस्तों, ये देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर मैंने अपना एक टेबल जिसको नाम दे रहा हूं मैं ए, दूसरा मेरा व्यू जिसको नाम दे रहा हूं मैं बी। यहां पे देखिए टेबल भी यूज हो सकते हैं, व्यू भी यूज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों फ्रॉम क्लॉज के अंदर अपनी चीजों को यूज करने के। अब यहां पर लगाता हूं क्या, ज्वाइन। अब देखिए अगर मैं दोस्तों यहां पर एलियास भी नहीं दूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको पहले दिखाता हूं
यहां पे लगाते हैं एक ज्वाइन, ज्वाइन किसके बीच में लगना है, ज्वाइन लगना है ए डॉट इसके और ये, मैंने ज्वाइन लगा दिया दोस्तों। देखिए यहां पे व्यू, मैंने जो यहां पे ये एक नया कॉलम क्रिएट किया था मेरे ज्वाइन लगने के बाद, ये कॉलम भी यहां पर आ रहा है दोस्तों। एलियास के कंसेप्ट को और इजीली यहां पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एलियास मुझे कब चाहिएगा, एलियास मुझे चाहिए होता है जब मेरा सेम कॉलम का नाम एक से ज्यादा टेबल्स में आ रहा है और वो कॉलम मुझे कहीं भी ज्वाइन में या सेलेक्ट में कहीं भी यूज करना है, तब मेरे एलियास का यूज आता है। अब यहां पे ऊपर आप देखोगे कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो डुप्लीकेट हो रहा हो। सो अगर मैं ये एलियास यहां से हटा भी देता हूं इस तरीके से और अपने ज्वाइन से भी हटा देता हूं, तो मुझे कोई भी एलियास से रिलेटेड एरर नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भी कॉलम डुप्लीकेट है ही नहीं पूरी क्वेरी में, क्वेरी मेरी फिर से सही चलेगी। सो यहां पर एलियास का कंसेप्ट अगेन मेरा व्यू के साथ दोबारा से क्लियर होता है। व्यू को भी हमने यहां पे देख लिया कैसे व्यू को यूज करने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को और देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डेटाबेस पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है, आप व्यू नहीं बना सकते हो, तो किस तरीके से इन लाइन व्यू आप बनाएंगे एक बार ये देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो मैंने ऊपर वाले व्यू की क्वेरी ही एज इट इज यहां कॉपी कर दी है, बट कुछ आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास कुछ ग्रांट्स नहीं है कि आप डेटाबेस पे व्यू क्रिएट कर पाए, तब आपके पिक्चर में आती है इनलाइन व्यू। अब ये इनलाइन व्यू कैसे बनता है दोस्तों, इनलाइन व्यू बनता है मेरा किसी क्वेरी के बेस, जैसे कि आप यहां देख सकते हो दोस्तों यहां लिखा हुआ है मेरा मेरा व्यू। अब व्यू के मेरे पास क्या नहीं है ग्रांट, तो मैं क्या करूंगा यहां पर सिंगल कोट दूंगा, ऐसे बंद करूंगा और जाऊंगा अपने उस क्वेरी के ऊपर जिस क्वेरी से मुझे अपना काम करना है, वो क्वेरी में यहां डायरेक्टली दे सकता हूं और इसको कुछ भी नाम भी दे सकता हूं अगर मुझे जरूरत है। लाइक बी इसको नाम दे दिया, ए मैंने इसको नाम दे दिया। अब आप यहां देखेंगे दोस्तों कि एक तो मेरी टेबल है, दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा व्यू नहीं है, यहां पर कोई क्वेरी लिखी हुई है। इन ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक क्वेरी लिखी हुई है। तो इस तरीके से भी अपनी क्वेरी को एक लाइन में लिख के इनलाइन व्यू इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको भी यहां यूज किया जा सकता है। मैंने सेलेक्ट चलाया, सिंपली मेरा सेलेक्ट चल गया, सिस्टम इजीली आइडेंटिफाई कर गया DPTNO जो है मेरा इस वाली टेबल के अंदर से मुझे पढ़ना है और उसने डायरेक्टली पढ़ भी लिया। और उसका ज्वाइन किसके साथ लगाया, उसने इसका ज्वाइन लगाया दोस्तों इस वाले कॉलम के साथ। ये कॉलम का नाम जो है देखिए अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट टेबल का जो DPTNO उसको मैंने यहां पर डिपार्टमेंट NO का नाम दिया है। तो इस तरीके से इनलाइन व्यू को भी अपने फ्रॉम क्लॉज में यूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फ्रॉम क्लॉज में चीजों को यूज करने के। सो कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। सो होपफुली दोस्तों लैब के अंदर आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि फ्रॉम क्लॉज के साथ आप कैसे प्ले कर सकते हो, कैसे खेल सकते हो, कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसने छोटी मोटी नॉलेज आपकी इनहेंस कर दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो सच में कुछ लर्न करना चाहते हैं, SQL लर्न करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं या जिनको इसकी सच में जरूरत है। और मेरी इस मुहिम में मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूं। और दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीज हम छोड़ तो नहीं रहे हैं, तो जरूर अपने कमेंट से हमें बताइएगा। साथ में पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते या वीडियो देखते देखते अगर नींद या बोरियत हो रही हो तो दोस्तों मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप कॉमेडी, टूरिज्म, कुछ एक्सपेरिमेंटल अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड का सेटअप चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।